सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेलो मैथ्स एसएस को और बेल आइकन को भी दबाएं मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो मैथ्स एसएस। आज हम लोग सीखेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक। तो ध्यान देंगे, इसके लिए मैं पहले से ही क्वेश्चन नोट करके रखी हूँ और क्वेश्चन क्या है पहले इस पे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। इट मींस क्या, ये जो नंबर मैंने यहाँ पे नोट किया है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस तक, तो टू डेसिमल प्लेसेस तक। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहे, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर लिखा रहा है, उससे हम एक ज्यादा प्लेस तक उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कितने प्लेसेस तक निकालेंगे, तो एक ज्यादा प्लेसेस तक निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कितना देख रहे हैं, 2 लिखा हुआ, इट मीन्स हम लोग कितने प्लेसेस तक निकालेंगे, तो 3 प्लेसेस तक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप यहाँ ध्यान देंगे। फर्स्ट में मैंने लिखा है 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड के थ्रू निकालेंगे। और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कह रहा है, तो जितना कहेगा उससे हम एक ज्यादा प्लेसेस तक जाएंगे। आई मीन 2 कह रहा है, तो हम कितने प्लेसेस तक निकालेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे इसमें कि हम लोग यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे और पॉइंट के बाद अगर हम लोग को 2 कह रहा है, तो हमको 3 तक निकालना है। इट मीन्स क्या, जहां तक हम लोग को निकालना है उसका डबल डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट तो हम लोग खुद से दिए, कोई भी डिजिट नहीं है, और हमको 3 प्लेसेस तक निकालना है। इट मीन्स हम लोग 3 का डबल 6 यहाँ पे 0 बैठा देंगे। कितने 0 डालेंगे जी, 6। अगर यहाँ पे 3 प्लेसेस तक करता तो हम 4 प्लेसेस तक निकालते, और 4 का डबल कितना 0 डालते यहाँ पे, तो 8 0 डालते, राइट। बट 2 प्लेसेस तक कर रहा है, इट मीन्स हम लोग 3 प्लेस तक निकालेंगे, तो 3 का डबल कितना हो गया जी, 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई डिजिट है तो ठीक है, हम लोग काउंट कर लेंगे कितना डिजिट है, उतना रहने देंगे, और जितने डिजिट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतना 0 हम लोग डाल लेंगे, राइट। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई डिजिट ही नहीं है, 6 डिजिट हमको चाहिए, एक भी डिजिट नहीं है, 60 की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग 60 यहाँ पे डाल देंगे, राइट। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, तो आपका 2 का मैंने साथ में लिखा है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 3 है या 3 से कम है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 3 से कम है। तो इसके लिए हम लोग 1 रख लेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या रख लेंगे, 1। मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग 1 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, सबट्रैक्ट करने पे यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे डेसिमल हम लोग लेके कहाँ जाएंगे, कहीं भी लिखने नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया है डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, राइट। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं डेसिमल लेके आ गई, अब यहाँ से हम लोग कितने 0 लेके आ सकते हैं, 2 0। अब हम लोग 2 के बगल में, आई मीन 2 के राइट साइड में कौन सा नंबर रखेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 200 है या 200 से कम है, तो ध्यान देंगे आप लोग, अगर 8 रख रहे हैं तो इतना आ जा रहा है, इससे क्या हो जा रहा है, ज्यादा आ जा रहा है, तो हम लोग क्या रख के देखेंगे, 7 रख के देखेंगे। 7 रखने पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 189 आ रहा है, क्या आ रहा है जी, 189। तो 7 रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 189 200 से कम आ रहा है, तो 17 हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, राइट। अब इसको हम लोग फिर ऐड करेंगे तो क्या देख रहे हैं, 34 आया, क्या आया, 34 आया। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। यहाँ पे भी क्या आ गया,
वन आ गया, यहाँ पे आपका कर दिया। अब ऊपर से हम कितना जीरो लेके आ सकते हैं, ये दो जीरो तो हम यहाँ लेके आ गए हैं, अब इस दो जीरो को हम लोग यहाँ लेके आएंगे और फिर क्या देखेंगे कि यहाँ पे 34 है, राइट साइड में कौन सा नंबर रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इससे क्या है जी कम है, तो 34 है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर 3 रख के देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या रहा है राइट, इससे क्या रहा है जी कम आ रहा है। अगर 4 रख के देखेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या रख लेंगे यहाँ पे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है 1029, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया 1 राइट, यहाँ पे आपका 9 में से 2 गया तो क्या हो गया 7, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कट गया। फिर ऊपर से हम कितने जीरो लेके आ सकते हैं तो 2 जीरो राइट। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या देख रहे हैं, अब हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, कितने प्लेस तक निकालना था, यहाँ पे 2 कर रहा था, हम लोग को 3 प्लेस तक निकालना था, इसलिए मैंने 60 रखा था यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या रख रहे हैं, कौन सा नंबर रख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे इससे कम है, तो 346 अगर हम 2 रख के देखेंगे तो क्या देख रहे हैं 2 2 4 राइट, इससे क्या आ रहा है कम आ रहा है, तो हम लोग 2 रखेंगे, अगर 3 रख के देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 रखने पे कितना आ गया इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 6 या 9 है, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया जी 7, और यहाँ पे क्या है 0 है, आई मीन 10 है, तो कितना हो गया 1, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे राइट। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हम लोग के पास 0 नहीं है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना था, यहाँ पे मैंने 2 रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंसर हम लोग के 3 प्लेस तक कितना आ रहा है 1.732 राइट, 1.732, बट रखना कितने प्लेसेस तक है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि लास्ट वाले जो डिजिट है इसको हम देखेंगे और इसका कंपैरिजन हम 5 से करेंगे, लास्ट वाले डिजिट का आई मीन हम देखेंगे अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम लोग क्या कर लेंगे इसमें 1 ऐड कर लेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे राइट। बट हम लोग देखेंगे आई मीन 4 से बड़ा हो, क्या बड़ा हो जी 4 से नंबर ग्रेटर हो, ये डिजिट जो है लास्ट डिजिट जो रहेगा वो अगर 4 से ग्रेटर है आई मीन 5 है या 5 से भी ग्रेटर है तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको रिमूव करने से पहले हम लोग इसमें यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर लेंगे राइट। सपोज अगर यहाँ पे रहता 1.736 रहता तो हम लोग इसको क्या लिखते 1.7, इस 6 को रिमूव करते तो इसमें 1 ऐड कर लेते तो क्या हो जाता 1.74, बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 5 से छोटा है 2, तो डायरेक्टली हम उसको रिमूव कर देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको रिमूव कर देंगे राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं रूट अंडर 3 आई मीन 3 का स्क्वायर रूट डेसिमल के 2 प्लेस तक हमने निकाला तो क्या आया 1.73 राइट। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 7 का स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल की 2 प्लेसेस तक, तो हम लोग कितने प्लेसेस तक निकालेंगे 3 प्लेसेस तक, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है राइट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किए हैं, डेसिमल पॉइंट डालेंगे 3 प्लेसेस तक निकालना है, 3 का डबल 6 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कितने जीरो लगाएंगे 6 जीरो राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 7 है और इस 7 है यहाँ पे, तो हम लोग क्या देखेंगे 7 क्या है जी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आई मीन नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ रखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 7 से क्या है कम है, तो अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 सर 9 हो जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, इसमें से हम क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे, क्या रखेंगे जी हम लोग 2 रख लेंगे, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख लिया 2 राइट। 2 2 4 क्या हो गया 4, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आया, यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं उसी को यहाँ पे क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या आ गया 4
राइट। फिर इस पॉइंट को हम डायरेक्टली कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे और यहाँ से दो जीरो हम लोग यहाँ लेके आएंगे, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, कौन सा नंबर रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इससे कम आए, तो 4 है, यहाँ 30 है, 28 आई मीन 7 रख के देखिए हम लोग, ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है जी, इससे ज्यादा हो जा रहा है। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इससे 7 ही रख के क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और 6 रखने पे हम लोग कितना देख रहे हैं, क्या आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या रख लेंगे, यहाँ पे 6 रख लेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पे 4 आ गया, या 9 में 6 7 गया तो 2 आ गया, राइट। इसको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 52 आया। फिर हम लोग कितने जीरो लेके आएंगे, यहाँ पे 2 जीरो लेके आएंगे, कितना जीरो, 2 जीरो। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कितना आए जी, इससे कम है या इतना आ जाए, तो हम लोग 52 रख, यहाँ पे 52 दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या रखा जाए। अगर 4 रख के हम लोग देखेंगे, देखा जाए क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 24 है और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसलिए मैंने 4 रखा है, रख के देखेंगे क्या आ रहा है, इससे क्या जा रहा है, कम आ जा रहा है। अगर 6 रखते, 5 रखते तो ज्यादा हो जाता, तो हम लोग क्या रखेंगे, 4, यहाँ भी क्या लिख लेंगे हम लोग, 4, राइट। अब 4 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ये चीज आया। सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 आ गया, राइट। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर से कितने जीरो आया, यहाँ पे कितना जीरो आया जी, 2 जीरो आया, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 528 है, कौन सा नंबर इसके राइट साइड में रखिए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे इससे क्या है जी, कम है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर 6 रख ले रहे हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, 30 आएगा, क्या आएगा, 30 आएगा, बट आई होप इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख के देखेंगे, 5 रख के पहले देख ले, 5 बहुत कम आ जाएगा तो हम लोग 6 रखेंगे, चलिए 5 रख के मैं देख रही हूँ, राइट। तो हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया। अब हम लोग इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2, 6, 4, 2, 5। इसको सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 आ रहा है, राइट। यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, यहाँ पे क्या रह गया जी मेरा, 3 रह गया, आई मीन इसमें से 1 लिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 में से 4 गया तो क्या हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे क्या रह गया जी, 9 रह गया, और 9 में से आपका 6 गया तो क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। ऐसे भी हम देख रहे हैं क्या है, इससे कम आ रहा है तो 5 ही रखे हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक 2.645, राइट। अब हम लोग को कितने प्लेसेस तक लेके आना है, 2 प्लेसेस तक लेके आना है, इट मीन्स लास्ट वाले को हम लोग इसी तरह से रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, करेक्ट 2 प्लेस तक लेके आना है, इट मीन्स हम लोग जब इसको रिमूव करेंगे लास्ट वाले को, तो लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, वो 5 है, क्या है जी, 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे तो डायरेक्टली इसमें 1 जोड़ लेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसके जो पहले वाला नंबर है 4 है, वहां पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड करने पे 5। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं 7 का स्क्वायर रूट निकाले हैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो क्या आया, 2.65, राइट। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करना। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।